Good evening, friends. I would like to wish everyone a very belated happy Diwali greetings. Kal hum log sab ja rahe hain Kanchanpur savere, and savere 5 baje nikal rahe Kanchanpur ke liye, aur mujhe laga ki bahut मैसेज आ रहा था कि बुबागरा आप फेसबुक लाइव में जाइए और अपना पोजीशन क्लियर कीजिए जो आपने लिखा है. तो मैं फेसबुक लाइव में आया हूं क्योंकि मैं अपना पोजीशन एकदम क्लियर करना चाहता हूं. सबसे पहला मेरा पोजीशन है कि द ब्रू रियांग कम्युनिटी इज इंडिजिनस टू त्रिपुरा. बहुत लोग शायद जानते नहीं है कि ब्रू रियांग कम्युनिटी एक्चुअली हमारे जो पहले महाराजा थे उनके महारानी भी ब्रू रियांग कम्युनिटी से भी है. जब डुम्बू डैम बना तो वहां में बहुत हमारे ब्रू कम्युनिटीज थे, उनको सरकार ने डिस्प्लेस किया क्योंकि उनके पास पट्टा नहीं था, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला. बहुत लोग झूमिया फैमिलीज थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो बाहर सेटल हो गए. उनको हिंदुस्तान का सरकार और त्रिपुरा के सरकार ने डिस्प्लेस किया 70s में जब डुम्बू डैम बना. आज मैं देख रहा हूं कि बिना खाने का आपने उनका राशन बंद कर दिया. आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप मिजोरम जाओ उनका राशन नहीं देकर. डेथ्स हुआ है तो मैंने अपना माइंड पूरा क्लियर किया है और मैंने अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना चाहता हूं. सबसे पहले द रियांग पीपल द ब्रू कम्युनिटी इज इंडिजिनस टू त्रिपुरा. अगर हम BSF को कंसिडर कर सकते हैं 2700 एकड़ जमीन देने के लिए कंचनपुर में, तो 1/3 जमीन हम अपने ब्रू रियांग कम्युनिटी को क्यों नहीं दे सकते, देना चाहिए. दूसरा बात है कि हमने CAB में लाख लाख आदमी को त्रिपुरा में आने दिया है, हिंदुस्तान में आने दिया है, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर इंडियन सिटीजन से ब्रू रियांग का तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है कि वो हिंदुस्तान का है कि बांग्लादेश का, सब इंडिया का. तो आप उनको हिंदुस्तान के अंदर एक इज्जत का जिंदगी नहीं दे सकते. मैं डिमांड क्लियरली कर रहा हूं कि द ब्रू रियांग कम्युनिटी शुड बी गिवन लैंड विद पट्टा, पट्टा के साथ. सिर्फ एक जंगल में आपने रहने दिया वो नहीं, विद पट्टा. आपको ब्रू रियांग कम्युनिटी को त्रिपुरा के अंदर जगह देना पड़ेगा, ये मेरा क्लियर डिमांड है. और क्योंकि आपने राशन बंद कर दिया, आप बोल रहे कि आप अलाउ नहीं करेंगे. मैं टीला के लॉयर से मिल रहा हूँ, त्रिपुरा इंडिजिनियस लॉयर्स एसोसिएशन, और हम हाई कोर्ट जाकर रिट पिटीशन फाइल करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के अंदर अंडर आर्टिकल 21 आप किसी को फोर्सफुली उनका राशन बंद नहीं कर सकते. उनको राइट टू फूड है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है. आप किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते आप मिजोरम जाओ, वरना आप नहीं जाओगे तो आपका राशन में बंद कर रहा हूं. ये आप किसी को आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते. सो वी आई एम गोइंग टू अपोज इट टू द नेम. और रहा बात की कल मैं जा रहा हूं, मैंने पहले भी 1500 किलो चावल मैंने भेज दिया है. कल मेरा दूसरा टीम गया था, उन्होंने भी चावल दाल नमक वहां भी 500 किलो दिया है. और कल जो पूरा डेलीगेशन जाएगा जिसमें अनिमेश है, पटल कन्या है, दिनेश है, आघोर बाबू है, अनंत बाबू है, श्रीधाम है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि हम सब एक संग जा रहे हैं. हम लोग सब एक संग जाएंगे और हम एक डिसीजन लेंगे कि इसमें ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है. इसमें हम सॉलिडारिटी दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे विथ द तिप्रासा रियांग ब्रू कम्युनिटी. ये हमारा क्लियर पोजिशन. पटल कन्या भी कल हमारे संग आ रही है, आई वेलकम हर. उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहा है, शी इज कमिंग विथ मी. मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें एक डिग्निटी होता है. जमीन आपका है, आपको हटाया गया डुम्बुर से. आज अगरतला में मेरा जमीन ऑक्यूपाइड है, आज नीरबहल में आपने सेटलमेंट्स किया है, और हमारे जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनको जगह नहीं मिल रहा है, ये कहां का न्याय. तो
एक बात क्लियर है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो अलग बात है, लेकिन आज के दिन हमारे ब्रू रियांग कम्युनिटी को वो सम्मान इज्जत मिलना चाहिए। और मैं सीनियर लीडर से पूछना चाहता हूं, अलग अलग पार्टीज में है, आप लोग इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं कि हम तिपरासा के लिए लड़ रहे हैं, ब्रू के लिए लड़ रहे हैं। मैंने रिजाइन किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जो लास्ट पार्टी है वो मेरे कम्युनिटी, मेरे दोफा, मेरे लोगों के साथ नहीं है। मैंने प्रिंसिपल लेके मैंने रिजाइन किया, मैंने मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैंने रिजाइन किया क्योंकि मेरा दिल के अंदर जो एक इज्जत है और एक प्यार है हमारे कम्युनिटी के लिए, उसके लिए मैंने रिजाइन किया। आप लोग हमेशा धमकी देते हो और कोई रिजाइन तो करता नहीं, क्यों? पद हमेशा नहीं रहेगा आपके साथ, लेकिन अगर आज आप हम लोग सब एक हो जाते हैं सोशली पॉलिटिकली, अगर हम आज सब एक हो जाएंगे तो समय बदलेगा। मैं अपील फिर से करता हूं टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप लोग एक होइए। मैं अगर हम लोग एक हो जाएंगे ना तो हवा बदल जाएगा त्रिपुरा में। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा है यूनिटी के लिए। मैं फिर से अपील करता हूं कि आप लोग यूनाइटेड होइए, और जो आज ब्रू के साथ हो रहा है, रियांग कम्युनिटी के साथ हो रहा है, कल देबबर्मा के संग हो सकता है, परसों जमतिया के संग हो सकता है, रामखोल के संग हो सकता है, रियांग का तो हुआ है, लेकिन हम लोग अगर यूनाइटेड हो जाएंगे ना, और आज मैं देबबर्मा को, जमतिया को, सब अपने त्रिपुरा कम्युनिटी को सबको बोलता हूं, आप अपने ब्रू रियांग कम्युनिटी के संग आप सॉलिडारिटी दीजिए, क्योंकि हम लोग डिवाइडेड हैं, इसके लिए ये हो रहा है। ये जमीन, ये त्रिपुरा में बहुत जगह है, आप हम लोग अगर दूसरे कम्युनिटी को हमने अलाउ किया है त्रिपुरा में, महारानी कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगह दिया कंचनपुर में, और आज हमारे कंचनपुर में हमारे खुद के ही रियांग कम्युनिटी को बोल रहा है कि आप चले जाओ मिजोरम, आपको खाना नहीं देंगे। ये अन्याय हो रहा है क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आप लोग को निवेदन कर रहा हूं, मैं कल कंचनपुर में हूं, और आप लोग भी यूनाइटेड होकर एक ही अपील कीजिए सब जगह में। और फाइनल बात है, सेक्शन 144 है, मैंने भी सुना है, मुझे वायलेंस नहीं चाहिए। आप झगड़ा कर वायलेंस कर अगर आप आंदोलन करेंगे तो किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। मैं कोर्ट में जा रहा हूं, मैं कोर्ट में अंडर आर्टिकल 21 ये इशू उठाऊंगा, मैं पिटिशन फाइल कर रहा हूं, लेकिन वायलेंस मत कीजिए, शांति रखिए। वायलेंस होने से जो रियल इशू है वो हट जाता है और गलत चीज आ जाता है। बहुत लोग चाहेंगे कि हम लोग वायलेंटली रिएक्ट करें, इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। आप इसमें पॉलिटिक्स को मत लाइए। मेरा डिमांड एक है कि हमारे ब्रू रियांग कम्युनिटी जो मिजोरम में भी है, उनको भी जगह पट्टा के साथ त्रिपुरा में मिलना चाहिए, और हम लोग सब एक होकर कल जा रहे हैं। अभी भी मेरे संग सब लोग हैं यहाँ में, आप लोग सब नमस्ते बोल दीजिए, सब लोग यहाँ में नमस्ते। एवरीबडी इज हियर, वी आर ऑल वन। कल पटल कन्या भी आ रही है और सब आ रहे हैं। प्लीज, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बेलाइनो हम बाय और कहा।